भाई साहब हर्ष दृष्टि कृति गए हैं मेला काटना चालू कर दिए हैं गेहूं को। जितना गेहूं था सारा गेहूं कटा गया दोस्तों, गेहूं आज ही दबा जाएगा। दोस्तों गेहूं दबाना चालू हो गया है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सबको प्रणाम नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हम खेत आ गए हैं और दोस्तों टाइम 6 बज रहा है। दोस्तों आज तीसरा दिन है गेहूं काटने का। तो दोस्तों पिताजी और हम और जो काटने वाली हैं तीनों लोग हैं, तीनों लोग गेहूं को काटेंगे। दोस्तों ये देखिए, दोस्तों एक एरिया ख़त्म हो गया, देखिए कटा गया है, गेहूं ही गेहूं दिखाई दे रहा था लेकिन सब कटा गया, पन्हा गया, दबा गया, बस एक दो आदमी का बाकी है। और दोस्तों इस एरिया में देखिए, इस एरिया में 50% कटिया हो गया है, बस 50% है, ये भी कटा जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा, 5-6 दिन में कुछ दिखाई नहीं देगा, सब ख़त्म। देखिए दोस्तों काटना चालू कर दिए हैं गेहूं को, तो चलिए हम भी काटते हैं, हँसुआ लेते हैं और उसके बाद हम भी भिड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों काटते हैं गेहूं को। देखिए दोस्तों गेहूं को काट रहे हैं पिताजी और हम। दोस्तों इतना काटे हैं, देखिए देखिए दोस्तों, और दोस्तों इतना काटना है देखिए। तो दोस्तों चलिए नाश्ता कर लेते हैं, माता जी नाश्ता लेकर आई हैं। दोस्तों टाइम 8 बज रहा है, 6 बजे से लगे हैं, 2 घंटा काटे हैं। देखिए दोस्तों माता जी आ गई हैं नाश्ता लेकर, देखिए शरबत बना रही हैं रस। देखिए दोस्तों चन्ना का घुघनी, देखिए पिताजी खा रहे हैं इधर, और इधर माता जी शरबत बना रही हैं, और दोस्तों मस्त खा रहे हैं, देखिए शरबत पीते हैं शरबत। दोस्तों नाश्ता पानी हो गया, तो चलिए काटते हैं गेहूं को। देखिए दोस्तों काट रहे हैं पिताजी, तो चलिए काटते हैं। दोस्तों थोड़ा सा बचा है, आज काट देंगे गेहूं को। दोस्तों गेहूं काट दिए, जितना गेहूं था सारा गेहूं कटा गया, देखिए दोस्तों जितना गेहूं था सब काट दिए, देखिए देखिए आज काटे। तो दोस्तों गेहूं कटा गया। दोस्तों टाइम 10 बज रहा है। दोस्तों डेली 9 बजे गेहूं काटना बंद कर देते थे, लेकिन दोस्तों आज 1 घंटा और मेहनत कर दिए तो गेहूं कटा गया। तो चलिए पानी पीते हैं, उसके बाद गेहूं को बांधते हैं। दोस्तों पानी पी लिए, तो चलिए चलते हैं गेहूं को बांधते हैं। देखिए गुरही ले लिए हैं, देखिए दोस्तों इतना है, सब बांधना है, तो चलिए बांधते हैं। दोस्तों गेहूं बना गया, सब बांध दिए, जितना था सब बांध दिए, देखिए दोस्तों सब बांध दिए। और दोस्तों देखिए चूहा कितना काटे हैं, देखिए सब चूहा का काटा हुआ है, सब नुकसान कर दिए हैं। टाइम 11:15 हो गया है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं छाँव में, और दोस्तों छोटे भैया लेकर आए थे खाना, खाना देकर चले गए हैं घर, तो चलिए खाना खाते हैं। तो दोस्तों जा रहे हैं खाना खाने। दोस्तों खाना खा लिए, दोस्तों जा रहे हैं घर, घर आ गए दोस्तों। और देखिए दोस्तों गौ माता बाहर हैं, तो चलिए घर में बांधते हैं अंदर। देखिए दोस्तों गौ माता को खोल रहे हैं और खोल के ले जाएंगे घर में, तो घर में बांधेंगे दोस्तों। बस क्या, हाँ दोस्तों गौ माता को बांध दिए, तो चलिए दोस्तों नहा लेते हैं। दोस्तों नहा लिए हैं, और दोस्तों पिताजी खेत से घर आए हैं, बोरा का और तिरपाल का व्यवस्था कर रहे हैं। दोस्तों गेहूं आज ही दबा जाएगा, जितना सामान है सब लेकर चलते हैं खेत, ठीक है। दोस्तों मौसम ख़राब हो रहा है, कभी बादल लग रहा है, कभी पूर्वा हवा चल रहा है, तो कभी पछुआ हवा चल रहा है, तो मौसम डिस्टर्ब हो रहा है, मौसम ख़राब हो रहा है, तो दबा देंगे तो सही रहेगा। देखिए दोस्तों पिताजी आए हैं, तो बोरा का व्यवस्था कर रहे हैं और तिरपाल का। दोस्तों एक बोझा बरसिन है, तो बरसिन को काट के उसके बाद चलेंगे। दोस्तों बरसिन को काट दिए, और दोस्तों गौ माता को बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों टाइम 2:40 हो गया है। दोस्तों धूप नहीं है, बादल लगा हुआ है। देखिए पिताजी निकाल रहे हैं गौ माता को। दोस्तों बकरियों को भी निकाल दिए हैं,
और गौ माता को भी निकाल दिए हैं दोस्तों। निकाल के लेहना डाल दिए हैं, देखिए तिरपाल और बोरा ले लिए हैं। तो चलिए चलते हैं खेत। दोस्तों खेत आ गए और दोस्तों देखिए बादल लगा हुआ है, धूप नहीं है, अंधेरा हो गया है, बादल लगा हुआ है और मौसम ख़राब होने का संभावना है, तो इसलिए सोच रहे हैं कि दवा लेते हैं। दोस्तों जगह बना रहे हैं जहां दवा जाएगा गेहूं, तो चलिए बोझा को हटाते हैं। देखिए दोस्तों बोझा को हटा दिए हैं, देखिए यहां पर इकट्ठा किए हैं दोस्तों, तिरपाल बिछा दिए हैं और दोस्तों गाड़ी भी आ गई, देखिए। तो दोस्तों गाड़ी को लगवाते हैं, दोस्तों गाड़ी लगवा दिए हैं देखिए, और दोस्तों बोझा ढो रहे हैं वर्कर, देखिए पिताजी बोझा को उठा रहे हैं। दोस्तों गेहूं दबाना चालू हो गया है, देखिए इतना बोझा गिरा दिए हैं। देखिए दोस्तों गेहूं गिर रहा है, इधर भूसा गिर रहा है दोस्तों। दोस्तों टाइम 5:37 हो रहा है दोस्तों, 5:37 पे चालू हुआ है और गेहूं दबाना। देखिए दोस्तों इधर गेहूं धरा रहे हैं और इधर फ्रेश गेहूं निकल रहा है और इधर भूसा निकल रहा है दोस्तों। दोस्तों आधा गेहूं दबा गया, दोस्तों अंधेरा हो गया है, 6:50 हो गया है। देखिए दोस्तों गेहूं दबा गया, गेहूं का दौरी हो गया। दोस्तों ट्रैक्टर वाले जा रहे हैं, दोस्तों गेहूं को ढोना है, 7:06 हो रहा है। दोस्तों गेहूं को ढोना चालू कर दिए हैं, एक खेप लेकर आए हैं दोस्तों, बाइक से ढो रहे हैं। देखिए दोस्तों एक खेप लेकर आ गए हैं, देखिए बड़े भैया और छोटे भैया, पिताजी, हम सभी लोग मिलकर ढो रहे हैं। दोस्तों बड़े भैया दुकान से आ गए हैं और छोटे भैया गए थे मेला हर्ष दृष्टि कृति को लेकर, तो भी आ गए हैं। देखिए दोस्तों बाइक से ढो रहे हैं, दोस्तों तीसरा खेप आए हैं। दोस्तों खेत माताजी पिताजी बोरा में कस रहे हैं और बड़े भैया गाड़ी पे लदवा रहे हैं और हम लेकर आ रहे हैं और घर पे छोटे भैया उतरवा रहे हैं। तो कैंची सिस्टम है, तो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ढो रहे हैं गेहूं को। तो चलिए ढोते हैं, देखिए इतना ढोए हैं दोस्तों, गेहूं को ढो दिए, सारा गेहूं धोआ गया। कुछ तिरपाल पे रखे हैं और बाकी बोरा में रखे हैं, देखिए जो लाइन से सजाए हैं रखे हैं लाइन से सारा है। दोस्तों गेहूं को ढोने में 2 घंटा लगा है, 8:00 से ढो रहे थे, 10:00 गया है। देखिए दोस्तों 10:13 हो गया है। दोस्तों सभी लोग आ गए, बड़े भैया, पिताजी, माता जी, और दोस्तों जा रहे हैं मेला, छोटे भैया, हम। दोस्तों ईद का मेला लगा है साइड में, तो चलिए चलते हैं। छोटे भैया बोल रहे हैं कि चलो मेला चलते हैं और बादाम शेक पी के आते हैं, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों मेला में आ गए हैं, शहीद बाबा के मेला, देखिए छोटे भैया बनवा रहे हैं बादाम शेक, देखिए दोस्तों बादाम शेक पी रहे हैं, देखिए, और देखिए मेला का नज़ारा। दोस्तों मेला से घर आ गए हैं, दोस्तों हमसे पहले मेला गए थे छोटे भैया हर्ष दृष्टि कृति, देखिए वीडियो। दृष्टि का हालत खराब है, रात के 11:06 हो गया है और दोस्तों खाना पीना हो गया। तो दोस्तों इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे, अगर ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सबको दिल से प्रणाम नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय, आई लव यू।